श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि पारद शिवलिंग की आदर्श वैज्ञानिक निर्माण विधि क्या है। देखिए, पारद शिवलिंग अति चमत्कारी धातु पारे से बनाया जाता है। मूलतः यह धातु तरल अवस्था में होती है और इसे ठोस रूप में लाने के लिए विभिन्न धातुओं का इस्तेमाल होता है, जैसे कि तांबा, चांदी, सोना सहित अन्य विभिन्न रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इसे बहुत उच्च तापमान पर पिघलाकर स्वर्ण और ताम्र के साथ मिलाया जाता है और फिर एक आकार दिया जाता है। एक जो परफेक्ट पारद शिवलिंग होता है उसका जो रेशियो होता है मिलने का, उसमें यह रहता है कि उसमें 70% पारा रहता है। ये थर्मामीटर में जो पारा इस्तेमाल होता है, मैं उसी पारे की बात करता हूँ। 15% मैग्नीशियम होता है और 10% कार्बन। तो ये हो गया 95% और 5% पोटेशियम कार्बोनेट होता है। यदि पारद शिवलिंग इन रासायनिक मापदंडों पर खरा उतरता है तभी वह शुद्ध और परिणाम देने वाला होता है। ये इसका परफेक्शन है। और इसको कैसे जांचना परखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज के व्यापार प्रधान युग में बाजार में बने पारद शिवलिंग मिलते हैं, पर ज़्यादातर मामलों में सर्वथा अशुद्ध और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हानिकारक भी होते हैं। जैसे बोरेक्स और जिंक से संयोग से बना हुआ शिवलिंग भी पारा शिवलिंग जैसा ही दिखाई देता है, उसी भांति एल्यूमिनियम से बना शिवलिंग भी पारा शिवलिंग जैसा ही लगता है। पारद शिवलिंग अगर आपको ओरिजिनल मिल गया तो ये समझ लीजिए कि ये आपको लॉटरी लग गई है, जो ओरिजिनल वाला होता है, या तो फिर आपको बनवाना पड़ेगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।